Hi everyone, this is Mihika Vasin and I'm your online English educator. Today's video is going to be a very different yet a very special one, and this is going to be one of the most basic video that I'm going to that I've made right now, because this is going to be specifically directed towards little lovely children who have just started learning the language, and this video is going to be the first in the vocabulary series. I'm going to make two more videos, and you might be nursery or kindergarten, first, second grade, or you might be beginners in English language who rely on YouTube to, you know, learn the basics in English. So yeah, it's just going to go a little down and start from the very fundamentals of English, and I've brought for you the very basic vocabulary, all those items that you will find in school, and we're going to learn with pictures what they are and what do we say them, what do we refer to these items in English. So let us begin. So the first word is this, what you see is bag. ये जो बस्ता है, बस्ते को हम इंग्लिश में बोलते हैं बैग, और अगर आपको स्कूल में लेके जा रहे हैं तो आप इसके आगे स्कूल लगा सकते हैं और इसको बोल सकते हैं स्कूल बैग, स्कूल बैग. ओके, ये जो आप देख रहे हैं इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पेंसिल, पेंसिल. फिर से बोलिए पेंसिल. शाबाश. ये जो आपको दिख रही हैं, ये किताबें हैं. किताबों को बच्चों हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी से बुक्स. अगर एक किताब है तो आप एस को हटा दीजिए, सिंगुलर में रखिए एक वचन में बुक. लेकिन इस चित्र में आप देखेंगे कि चार किताबें हैं, तो मतलब बहुवचन पे तेरा प्लूरल, सो बुक्स. अब ये जो आप चीजें देखते हैं, जैसे आप कलर करते हैं कागज पे, दे आर क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स. बच्चों आप जैसे बोलना सीखेंगे वोकैबुलरी को, आप प्लीज स्पेलिंग भी साथ के साथ करते देखते जाइए, ठीक है? आपको बहुत मदद करेगी. आप एक नोटबुक में यू कैन राइट द स्पेलिंग्स एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है? सो यू कैन प्रोबेबली पॉज द वीडियो, रिवाइंड कर सकते हैं, आप शुरू से देख सकते हैं. ओके, ये आपको क्या दिख रहा है? ये जो यंत्र है इससे आप सीधी लाइंस खींचते हैं, तो आप स्केल भी कह सकते हैं, या फिर इफ यू वांट टू यू नो यूज बेटर वोकैबुलरी, इट इज रेफर्ड टू एज अ रूलर, रूलर. से इट अगेन, रूलर. ओके, ये जो आपको दिख रहा है, आप जिस पे अपनी किताबों को रखते हैं, जो आप ये मेज देख रहे हैं, जो टेबल आपके स्कूल पे मिलती है, उसको हम कहते हैं डेस्क, डेस्क. ये जो स्क साउंड है इस पर थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, डेस्क. शाबाश. बुक, अब आपने ऊपर पढ़ा था बुक, बुक्स बहुवचन में, अगर आपको एक वचन में बोलना है तो बुक. नोटबुक, ये जो आप देख रहे हैं जिसके अंदर आप लिखते हैं, बुक तो आपकी किताब हो गई, नोटबुक जिसके अंदर खाली कागज होते हैं, उसके अंदर जो आपके टीचर आपको पढ़ाती है आप उसमें लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नोटबुक, नोट बुक. आप बुक बोल रहे हो उसके आगे सिर्फ नोट लगा दीजिए, नोट बुक. स्टेपलर, स्टेपलर, जैसे आपको कुछ कागज को साथ में जोड़ना हो तो इसके अंदर, इस यंत्र के अंदर छोटी छोटी पिंस होती हैं, जो कागज में आप एकदम क्लिक करते हैं इसको, तो वो कागज जुड़ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टेपलर, स्टेपलर. इसको स्टेपलर नहीं बोलते हैं, अ को आप ए बोलते हैं, स्टेपलर. ओके, ये जो आपको दिख रहा है जिससे अगर आपकी पेंसिल कम नुकीली हो जाती है तो आप बोलते हैं शार्पनर, शार्पनर. तो आप जिसको जो आर है इसको आप इतना तेजी से बोलते हैं कि वो शार्पनर नहीं होता, इट्स प्रोनाउंस्ड एज शार्पनर, शार्पनर. ओके, तो इसमें आर एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि साइलेंट है, तो थोड़ा सा लंबा शब्द है, तो हम फिर से बोलेंगे, ठीक है? डरने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों. शार्पनर, शार्पनर, शार्पनर नहीं, शार्पनर. ओके, ये जो आप देख रहे हैं, जो आप ये इसको गोंद को
गोंद को हम जैसे अब जैसे कि लंबे से स्टिक के अंदर है तो हम बोलते हैं ग्लू स्टिक, गोंद को कहते हैं ग्लू, और क्योंकि ये लंबी से स्टिक में है सो इट्स सेड ग्लू स्टिक, ग्लू स्टिक, ग्लू स्टिक, एक्सलेंट। ओके कैची, कैची को इंग्लिश में हम बोलते हैं सीजर। अगर आपको इसको एक वचन में रखना है तो आप बोलेंगे सीजर एस हटा के, लेकिन अगर आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल तीन चार कैचियां हैं तो हम बोलेंगे सीजर्स इसमें एस लगा के। ओके पेपर क्लिप, अब जो ये क्लिप को अगर आप दो पेपर में तीन चार पेपर में लगा दे तो वो जुड़ी रहती है, वो फैलती नहीं है, तो हम कहते हैं पेपर क्लिप। कागज को पेपर कहते हैं, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं कागज को कहते हैं पेपर, और क्लिप को कहते हैं क्लिप, तो पेपर क्लिप। ओके क्रेयॉन, जैसे हमने यहां पे ऊपर पढ़ा था, अगर आप एक वचन में बोलना चाहते हैं क्रेयॉन, क्रेयॉन, यहाँ पे अ को फिर से आप ए की तरह बोलते हैं, जैसे आप स्टेपलर में ए की तरह बोलते हैं वैसे क्रेयॉन में भी आप ए की तरह बोलते हैं, जो हिंदी का अक्षर होता है ना ए, क्रेयॉन नहीं बोलते हैं, इट्स प्रोनाउंस्ड एज क्रेयॉन, क्रेयॉन। ठीक है लास्ट वाला इरेजर, ये जो आप कहते हैं रबर, रबर, इसको अगर आप बेटर इंग्लिश सीखना चाहें तो उसको बोलते हैं आप इरेजर, इसमें भी ए को आप ए की तरह बोलते हैं, ए जो अक्षर होता है ना ए, जैसे आप बोलते हैं कि एक बोलते हैं तो उसमें जो ए होता है उसको बोलते हैं इरेजर, 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 मेरे साथ बोलिए इरेजर। शाबाश। एप्पल, अब जैसे अगर आपको टिफिन में अगर आप सेब लेकर आते हैं ये जो लाल सेब, इसको हम बोलते हैं एप्पल, एप्पल, स्पेलिंग देख लीजिए, दो पी आते हैं और एक एल आते हैं, कुछ बच्चे एक पी लिखते हैं और दो एल लिख के आ जाते हैं, इसमें आप ए को बोलते हैं ए, ए, तो जो बोलते हैं ना ए, ऐनक वाला ए, तो वैसा वाला। अब बच्चों एक चीज का ध्यान रखिए, आपके इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो अक्षर है ए, इसको आप कितने अलग अलग भिन्न तरीके से बोल सकते हैं, किसी में आप अ बोलते हैं, किसी में आप ए बोलते हैं, किसी में ए बोलते हैं, तो बच्चों आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। कागज को हम बोलते हैं पेपर, चॉक बोर्ड, जहां पे टीचर अपनी चॉक से लिख के पढ़ाती हैं तो उसको बोलते हैं चॉक, इसमें जो एल है वो साइलेंट है तो हम चॉक बोर्ड नहीं बोलोगे, आप बोलोगे चॉक बोर्ड, चॉक बोर्ड। ठीक है जैसे आप हिंदी में बोलोगे चौक, ठीक है जैसे आप हिंदी में बोलोगे चौक। ठीक है अब आप लड़के को हिंदी में क्या बोलोगे, जो लड़का बना हुआ है यहां पे, इसको आप बोलोगे बॉय, बोलोगे बॉय, लड़की को क्या बोलोगे गर्ल, आप बोलोगे गर्ल, बॉय चॉक बोर्ड, गर्ल पेपर। ठीक है आप वीडियो को पॉज करिए एक बार बोलिए खुद से, शाबाश। आप जिसकी भैया हम वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, स्कूल यानी कि विद्यालय, स्कूल, स्क ऊल, स्कूल। ओके ग्लोब, अब ये ग्लोब पूरी धरती का एक छोटा सा मॉडल होता है, छोटा सा एक यू नो रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोब, जिसको आप घुमा घुमा के पूरी धरती को देख सकते हैं, एक तरीके की धरती होती है बट हमारी पढ़ाई के लिए इसको हमने छोटा बना दिया, तो हम कहते हैं ग्लोब, कहते हैं ग्लोब। ये है कुर्सी, कुर्सी को आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो चेयर, स्पेलिंग देख लीजिए चेयर, चेयर। और लास्ट में जो हमने यहां पे पेंसिल पढ़ा था, अब यहाँ पे बहुवचन में अगर तीन, यहाँ पे एक पेंसिल है तो एक पेंसिल, तीन पेंसिल्स आ गए, बहुवचन प्लूरल हो गया, तो आप बस एस लगा दीजिए और बोलिए पेंसिल्स, पेन सिल्स। ठीक है तो इससे हमने अपने सारे के सारे वर्ड्स जो इस टेबल में लिखे हुए हैं, वी हैव कवर्ड दैट, वी हैव यू नो वी आर डन विद आवर वोकैबुलरी लेसन, सो आई थिंक यू कैन गो टू मोर वर्ड्स, बट आई थिंक दीज आर द बेसिक वर्ड्स जो आपको पता है तो बहुत बढ़िया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड या जस्ट कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश एंड गुड बाय।